डियर फ्रेंड्स आज हम आपके लिए चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का वन शॉट वीडियो लेकर आए हैं जिसमें चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग यानी कि पीडियाट्रिक नर्सिंग के सभी कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स कवर किए हैं देखिए पॉइंट्स आर एल बी डब्ल्यू वी एल बी डब्ल्यू ई एल बी डब्ल्यू बेबी फोनटानल्स बर्थ इंजरी अबगार स्कोर इम्यूनाइजेशन वाइटल साइन Weight and height of the newborn, teeth development, milestone development, and congenital disorders like Down syndrome, neural tube defect, tetralogy of Fallot, hydrocephalus, cerebral palsy, clap lip, clap palate, Hirschsprung disease, fetal circulation, rubella and rubella, chromosomal disorder, hip dislocation. Difference between physiological and pathological jaundice, six killer disease, preterm premature difference, child programs, erythroblastosis fetalis, cystic fibrosis, reflexes, phototherapy, different play, protein energy, malnutrition, immunoglobulin, milestone, ORS, dehydration, tonsillectomy, celiac disease, tracheoesophageal fistula, and different golden points. अब हम शुरू करते हैं एक के बाद एक कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स फादर ऑफ पीडियाट्रिक इज़ अब्राहम चेकोबी। वॉट इज द मीनिंग ऑफ एल बी डब्ल्यू वी एल बी डब्ल्यू एंड ई एल बी डब्ल्यू बेबी मतलब लो बर्थ वेट वेरी लो बर्थ वेट एंड एक्सट्रीम लो बर्थ वेट बेबी किसको कहते हैं देखिए जो बेबी का वेट 2.5 पॉइंट से कम हो ऐसी बेबी को लो बर्थ वेट बेबी कहते हैं जिस बेबी का वेट एक पॉइंट पाँच वन पॉइंट फाइव से कम हो वेरी लो बर्थ वेट बेबी एंड लेस देन वन एक्सट्रीम लो बर्थ वेट बेबी कहते हैं तो ये मोस्ट टाइम पे टॉपिक है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का आपको सभी जो भी लो बर्थ वेट बेबी वेरी लो बर्थ वेट बेबी के पॉइंट से वो याद रखने हैं कितना वेट से कम हो तो कौन सा प्रकार का चाइल्ड कहते हैं नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन इज लाइक दैट लो बर्थ वेट बेबी चाइल्ड इज वॉट इज आंसर आंसर इज वेट लेस देन 2.5 पॉइंट फाइव के जी द आंसर फोंटानेल देखिए फोंटानेल्स दो प्रकार के होते हैं एंटीरियर फोंटानेल एंड पोस्टीरियर फोंटानेल एंटीरियर फोंटानेल का दूसरा नाम है ब्रेगमा पोस्टीरियर फोंटानेल का दूसरा नाम है लेमड़ा सेप एंटीरियर फोंटानेल डायमंड शेप है पोस्टीरियर फ्रोटानेल ट्राइंगुलर सेप क्लोज विच टाइम एंटीरियर फ्रंटानेल क्लोज वन एंड हाफ ईयर मतलब कि अट्ठारह महीने में एंटीरियर फ्रंटानेल क्लोज हो जाता है पोस्टीरियर फ्रंटानेल वन एंड हाफ मंथ में क्लोज होता है फॉर्मेशन एंटीरियर फ्रंटानेल फोर सूचर एंड थ्री सूचर से फॉर्म होता है लेमडा यानी कि पोस्टीरियर फ्रंटानेल थ्री सुचर लाइन एंड टू सुचर से फॉर्म होते हैं साइज देखिए एंटीरियर फ्रंटानल की साइज़ थ्री सेंटीमीटर पोस्टीरियर वन पॉइंट टू फाइव सूचर नेम कौन कौन से सूचर एंटीरियर फ्रंटानेल में प्रेजेंट होते हैं फ्रंटल कॉरल सजाइटल पोस्टेरियर में सजाइटल एंड लेमडोइडल नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं एंटीरियर फ्रंटानेल क्लोज इन विच टाइम आंसर इज एटीन मंथ वन एंड हाफ ईयर में इंटीरियर फ्रंटानेल क्लोज हो जाता है बर्थ इंजुरी देखिए बर्थ इंजुरी का क्वेश्चन बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ रहा है दो प्रकार की मेन बर्थ इंजुरी है कैपट सक्सीडम एंड सिफेलो हिमेटोमा कैपट सक्सीडम में जो चाइल्ड का जो स्काल्प होता है उसमें फ्लूड एक्यूमुलेशन होता है और सिफेलो हिमेटोमा में ब्लड एक्यूमुलेशन देखिए फ्लूड एक्यूमुलेशन बिटवीन द एंड पेरियोस्टियम ब्लड एक्यूमुलेशन बिटवीन द स्काल्प एंड पेरियस्टियम जो कैपेट सक्सिडम है वो बर्थ के टाइम होता है और सिफेलो हिमेटोमा आफ्टर बर्थ कैपेट सक्सिडम कैन क्रॉस द सूचर लाइन मतलब जो कैपेट सक्सेडम यहाँ होता है वो सूचर लाइन को क्रॉस करता है सिफेलो हिमेटोमा नॉट क्रॉस द सुचर लाइन वो सूचर लाइन को क्रॉस नहीं करता है डिसपियर वन वीक आफ्टर बर्थ एक वीक के बाद डिसपियर हो जाता है कैपेट सक्सिडम सिफेलो हिमेटोमा वीक के बाद डिसपियर होता है क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जाते हैं बर्थ इंजुरी टू न्यू बॉर्न इन फ्लूड एक्यूमुलेशन बिटवीन द तो आंसर इज ए इज द आंसर देखिए अभी हमने डिफरेंस देख लिया कि सक्सिडम जो है उसमें क्या होता है फ्लूड एक्यूमुलेशन होता है तो क्वेश्चन में क्या पूछा था कि फ्लूड एक्यूमुलेशन बिटवीन द एंड पेरियस्टियम आंसर इज द कैपट सक्सीडम नेक्स्ट अबगर स्कोर अबगर स्कोर न्यूबॉर्न बेबी की कंडीशन एसेस करने के लिए चेक किया जाता है अबगर स्कोर में कुल पांच प्रकार की चेकिंग होती है ए मीन्स अपीरियंस पी मीन्स पल्स जी मीन्स ग्रीमिंग ए मीन्स एक्टिविटी इन आर मीन्स रेस्पिरेशन देखिए अबगर जो शब्द है उसके जो पांच जो टर्म है उसके फॉर्म सही हमें पता चलता है कि कौन कौन सी चेकिंग होती है ए मीन्स अपीरियंस पल्स ग्रीमिस एक्टिविटी एंड रेस्पिरेशन अपीरियंस में जो न्यूबॉर्न बेबी है उसका एपीरियंस मतलब कलर चेक किया जाता है होल बॉडी ब्लू होता है जीरो मार्क्स ट्रंक पिंक एक्सट्रीमिटी ब्लू मतलब के हाथ पाँच ब्लू हो जा और ट्रंक पिंक होता है एक मार्क्स होल बॉडी पिंक होता है दो मार्क्स पल्स देखिए चाइल्ड की पल्स नहीं हो तो जीरो मार्क्स बिलो हंड्रेड वन मार्क्स अबोव हंड्रेड टू मार्क्स नॉर्मल पल्स रेट वन ट्वेंटी टू वन सिक्सटी होता है ग्रीमिस रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स देखिए चाइल्ड को जब भी रिफ्लेक्स दिया जाता है ख़ास करके उसके नाक में सक्सन कैथेटर लगाया जाता है तो नो रिस्पॉन्स जीरो मार्क्स ग्रीमिस वन मार्क्स कफ स्नीज टू मार्क्स एक्टिविटी में चाइल्ड को स्टिमुलेशन दिया जाता है उसके ईयर को पिंच किया जाता है या पाँव में कुछ स्टिमुलेशन दिया जाता है तो लिब लिम्ब एक्सटेंशन करता है जीरो मार्क्स फ्लैसिड रहता है तो सम फ्लैक्शन एंड आर्म लेग एक मार्क्स एंड एक्टिव मूवमेंट करता है तो दो मार्क्स रेस्पिरेशन में जोर से क्राई करता है विग्रस क्राई दो मार्क्स वीक क्राई करता है एक मार्क्स एंड एबसेंट जीरो मार्क्स तो ऐसे कुल पाँच पॉइंट में से हमें दस मार्क्स देने हैं और ये दस मार्क्स में से दस स्कोर में से जो स्कोर एक से तीन में आए बच्चा सीवियर डिप्रेशन में है तकलीफ में है चार से छः में आए माइल्ड डिप्रेशन थोड़ी तकलीफ है इन सात से दस में जो न्यू बॉर्न है उसको कोई तकलीफ नहीं है देर इज नो डिप्रेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ द अबगार स्कोर इज हार्ट रेट वर्जनिया जो अबगार वर्जनिया है उसने अबगार स्कोर का फाउंड किया था अबगार स्कोर एक मिनट एंड पाँच मिनट के बाद में चेक किया जाता है बर्थ के बाद में पहले एक मिनट के बाद में बाद में पाँच मिनट के बाद में तो अबगार स्कोर के बारे में ये सभी पॉइंट्स आपको अच्छे तरह से याद रखें देखिए अबगार स्कोर 1952 में वर्जीनिया अबगार अमेरिकन फिजिशन ने फाउंड किया था इसमें हमने देख लिया पांच प्रकार के चेकिंग होते हैं एपीरियंस पल्स ग्रीमिश एक्टिविटी एंड रेस्पिरेशन उसके क्वेश्चन देखो कैसे पूछे जाते हैं अबगार स्कोर इज रिकॉर्डेड एट मतलब अबगार स्कोर कब के चेक किया जाता है आफ्टर वन एंड फाइव मिनट आफ्टर द डिलीवरी डिलीवरी के बाद में एक मिनट के बाद में एंड पाँच मिनट के बाद में चेक किया जाता है अभी देखिए इम्यूनाइजेशन इम्यूनाइजेशन में से हर साल एक से दो क्वेश्चन हर एक एग्जाम में हमें देखने को मिलते हैं तो ये पॉइंट काफी अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिए एट बर्थ कौन कौन से इम्यूनाइजेशन होते हैं बीसीजी, सी हिपेटाइटिस पोलियो बीसीजी कब तक दिया जा सकता है विद इन वन ईयर एक साल तक के बच्चे तक बच्चे को बीसीजी वैक्सीन दिया जा सकता है हिपेटाइटिस विद इन ट्वेंटी फोर आवर्स एक्चुअली बर्थ के बाद तुरंत ही देना चाहिए लेकिन ट्वेंटी फोर आवर्स तक दे सकते हैं पोलियो वैक्सीन विद इन फिफ्टीन डेज मतलब पंद्रह दिनों तक दे सकते हैं सिक्स टेन एंड फोटीन वीक में कौन कौन सी वैक्सीन दी जाती है पेंटावेलेंट डीपीटी पी टी एंड रोटावाइरस नाइन मंथ में मिजल्स वैक्सीन एंड सिक्सटीन टू ट्वेंटी फोर वीक में एमएमआर वैक्सीन देखिए एट नाइन टू ट्वेल्व मंथ जापानीज एनकेफेल वैक्सीन भी दी जाती है एंड सिक्सटीन टू ट्वेंटी फोर में जापानीज एनकेफेल और यहाँ ट्वेल्व टू सिक्सटीन मंथ में एमएमआर का फर्स्ट डोज एंड सिक्सटीन टू ट्वेंटी फोर में एमएमआर का सेकंड डोज दिया जाता है एक्सपेंडेड प्रोग्राम फॉर इम्यूनाइजेशन कब लॉन्च हुआ नाइनटीन सेवेंटी एट यूनिवर्सल प्रोग्राम नाइनटीन एटी फाइव लाइव एटेन्यूटेड वैक्सीन कौन कौन से वैक्सीन लाइव एटेन्यूटेड है पोलियो एमएमआर बीसीजी येलो फीवर किल्ड वैक्सीन के नाम बताइए डी पी टी 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 एंड हिपेटाइटिस टेम्परेचर पोलियो वैक्सीन इज हिट सेंसिटिव वैक्सीन सो फ्रीज एट माइनस ट्वेंटी डिग्री सेंटीग्रेड याद रखिए पोलियो वैक्सीन को कौन से तापमान में फ्रीज की जाती है माइनस ट्वेंटी डिग्री सेंटीग्रेड एम एम आर मिजल्स एंड पोलियो वैक्सीन आर स्टोर एट टू टू एट डिग्री सेंटीग्रेड आइसलाइन रेफ्रीजरेटर देखिए आइसलाइन रेफ्रिजरेटर में कौन से टेम्परेचर पर ये तीनों वैक्सीन प्रिजर्व की जाती है दो से आठ डिग्री सेंटीग्रेड पे प्रिज की जाती है ओरल पोलियो वैक्सीन अनदर नेम साबिन वैक्सीन इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन अनदर नेम इज साल्क वैक्सीन फ्रीजिंग वैक्सीन इज द पोलियो वैक्सीन विटामिन ए डोज बिफोर सिक्स मंथ चाइल्ड फिफ्टीन थाउजेंड इंटरनेशनल यूनिट सिक्स टू ट्वेल्व मंथ चाइल्ड वन लेख इंटरनेशनल एंड सिक्सटीन मंथ चाइल्ड टू लैख इंटरनेशनल यूनिट विटामिन ए के ड्रॉप्स दी जाते हैं प्रिवेंट विटामिन ए से कौन कौन सी बीमारी प्रिवेंट की जा सकती है जेरोपथेलमिया बिटोट स्पॉट्स कैरेटोमलेशिया एंड नाइट ब्लाइंडनेस पीसीवी देखो पीसीवी वैक्सीन का फुल फॉर्म है न्यूमोकोकल वैक्सीन वो न्यूमोनिया प्रिवेंट करने के लिए दी जाती है एंड ड्यूकोरल वैक्सीन इज फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द कोलेरा नेक्स्ट देखिए इम्यूनाइजेशन का चार्ट है आपको बाय हार्ट कर देना है पोलियो वैक्सीन ओरल रूट में दी जाती है एंड इंजेक्टेबल रूट में भी दी जाती है राइट तो याद रखना है कि पोलियो वैक्सीन ओरल रूट भी है एंड इंजेक्टेबल रूट भी है पेंटावेलेंट वैक्सीन जिसका दूसरा नाम है डीपीटी हिपेटाइटिस एंड हिप वैक्सीन जो आईएम इंट्रामस्कुलर दी जाती है बीसीजी वैक्सीन इंट्राडर्मल मिजल्स जापानीज एन एंड एम एम आर सबक्यूटेनियस रोटा वायरस औरल हिपेटाइटिस बी आई एम डोज देख लीजिए सभी वैक्सीन का पोलियो वैक्सीन टू ड्रॉप्स एंड इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन जीरो पॉइंट वन एम एल पेंटावेलेंट वैक्सीन डी पी टी का डोज है जीरो पॉइंट फाइव एम एल सी जी जो एक मंथ तक तो दिया जाए तो ज़ीरो पॉइंट जीरो फाइव एम एल यानी एक महीने के बाद में जीरो पॉइंट वन एम एल दिया जाता है मिजल्स जापानीज एंकैलाइटिस एम एम आर सॉरी वैक्सीन का डोज है जीरो पॉइंट फाइव एम एल रोटा वायरस फाइव ड्रॉप्स हिपेटाइटिस बी जीरो पॉइंट फाइव एम एल टाइम कौन कौन से टाइम पे ये सब वैक्सीन दी जाती है देखिए पोलियो वैक्सीन है सिक्स वीक टेन वीक एंड फोर्टीन वीक्स में दी जाती है एंड सिक्स ट एंड फोर्टीन वीक में इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन दी जाती है पेंटावेलेंट का टाइम है सिक्स ट एंड फोर्टीन वीक बी एट बर्थ मिजल्स जापानीज एंकैलाइटिस एम का टाइम है मिजल्स का नाइन टू ट्वेल्व मंथ जापानीज एंकेपेलाइटिस नाइन टू ट्वेल्व एंड सिक्सटीन टू ट्वेंटी फोर मंथ रोटा वायरस सिक्स टैन एंड फोर्टीन वीक हेपेटाइटिस बी का एट बर्थ देखिए यहाँ विटामिन के के पॉइंट लिखे हैं five thousand इंटरनेशनल यूनिट राइट विटामिन ए नॉट के तो विटामिन ए के पॉइंट है और यहाँ पी सी वी न्यूमोकोकल वैक्सीन का पॉइंट है zero point five ml एल आई एम सिक्स फोर्टीन एंड नाइन मंथ में दिया जा जाता है और विटामिन ए का डोज है सिक्स मंथ में और सिक्स टू ट्वेल्व मंथ में दिया जाता है वन एम ओरल तो ये सभी वैक्सीन के पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है बार बार रिपीट हो रहे हैं आप याद रखिए देखिए जिप में टू थाउजेंड ट्वेंटी टू का क्वेश्चन है डोज ऑफ फ्रैक्सीनेटेड आई पी वी इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन आई पी वी मीन्स इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन तो देखिए इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन सिक्स वीक एंड फोर्टीन वीक में दी जाती है जीरो पॉइंट वन एम एल का डोज है आई एम दिया जाता है तो ये चार ऑप्शन में कौन सा आंसर सही है जीरो पॉइंट वन एम एल सी आंसर इज द राइट आंसर तो आपको ये सभी वैक्सीन के पॉइंट याद हो गए तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन ट्विस्ट होके पूछेंगे तो आप इजीली आंसर दे पाएंगे नेक्स्ट देखिए दूसरा वैक्सीन का जिपमेर में ही क्वेश्चन पूछा गया था एट बर्थ विच वैक्सीन इज गिवन बर्थ के टाइम में कौन सी वैक्सीन दी जाती है आंसर इज हिपेटाइटिस बी हिपेटाइटिस बी बर्थ के टाइम बर्थ के टाइम कौन कौन सी वैक्सीन दी जाती है बीसीजी ओरल पोलियो वैक्सीन एंड हिपेटाइटिस बी तीन वैक्सीन दी जाती है तो यहाँ आंसर हमारा होगा हिपेटाइटिस बी नेक्स्ट हाइड्रोकेफेलस हाइड्रोकेफेलस कॉन्जिनेटल डिसऑर्डर है चाइल्ड में खास करके जो कॉन्जेनेटर डिसऑर्डर्स है उसमें से सबसे मोस्ट एम पी हाइड्रोकैफेलस है हाइड्रोकैफेलस में से आप सभी को ये सभी पॉइंट याद रखने हैं फर्स्ट पॉइंट इज एक्ूमलेशन ऑफ एक्सेसिव अमाउंट ऑफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूड इन द ब्रेन वेंट्रिकल्स ये जो ब्रेन के वेंट्रिकल्स होते हैं उसमें सी एस एफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूड का एक्सेसिव एक्यूमलेशन यहाँ हो जाता है अब देखिए उससे उसका जो चाइल्ड का जो फ्रॉन्टानल है वो भी बल्ज हो जाता है तो इसका मेन साइन है बल्जिंग फ्रेल तो बल्जिंग फ्रॉन्टानल्स इज द मेन साइन ऑफ द हाइड्रोकेफेलस देखिए चाइल्ड की आंख में देखिए स्टूडेंट्स यहाँ जो सनसेट है उसके जैसी आंख दिखाई दे रही है तो दूसरा साइन है सनसेट आई थर्ड साइन मैकवान साइन देखिए यहाँ जो स्काल्प में हम टैपिंग करेंगे प्रकाशन करेंगे तो वहां एक अलग से साउंड हमें दिखाई सुनाई देगा जिसका नाम है क्रैक क्रैकपोट साउंड तो मैकोन साइन में क्या होता है वाइल प्रकाशन ऑन हेड क्रैक क्रैकपोट साउंड लिसन और ए चाइल्ड में हाइड्रोकेफेलस में से चाइल्ड को सर्वाइव करने के लिए उसको बाहर लाने के लिए कौन सी सर्जरी की जाती है वेंट्रोपेरिटोनियल शंट किया जाता है वीपी शंट तो ये सभी बातें हाइड्रोकेफेलस में आप अच्छी तरह से याद रखिए देखिए टू थाउजेंड सिक्सटीन में एच पी एस एस सी स्टाफ नर्स के पेपर में क्वेश्चन था सनसेटाइज आर टिपिकल फीचर्स ऑफ राइट आंसर इज द हाइड्रो कैफेल नेक्स्ट डाउन सिंड्रोम डाउन सिंड्रोम ये भी कॉन्जीनेटल डिसऑर्डर है पीडियाट्रिक में इट इज अ कॉन्जिनेटल डिजीज डाउन सिंड्रोम का दूसरा नाम ट्राइजोमी ट्वेंटी वन है जो क्रोमोजोम ट्वेंटी वन है उसमें दो क्रोमोजोम की बजाय तीन क्रोमोजोम हो जाते हैं इससे उसका नाम दूसरा ट्राइजोमी ट्वेंटी वन है ये बीमारी माइल्ड और मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन डेवलप करती है तो याद रखिए जो मेंटल रिटार्डेड चाइल्ड है वो ट्राइजोमी ट्वेंटी वन के चाइल्ड को मेंटल रिटार्डेशन होता है इट इज़ एसोसिएटेड विथ हर्सप्रंग डिजीज हर्सप्रंग डिजीज भी ऐसे बच्चे को देखने को मिलता है सिमियन क्रीज उसके जो हाथ होते हैं वो छोटे होते हैं और हाथ में क्रीजेज हो जाती है जिसको सिमियन क्रीज बोलते हैं पॉलीडेक्टाइल मोर देन फाइव फिंगर्स दिखाई देती है ब्रेंकेड या शॉर्ट फिंगर छोटी छोटी फिंगर्स होती है एबनॉर्मल हार्ट साउंड कार्डियक वल्वुलर डिजीज हो जाता है बच्चे को जिस जिससे उसमें एबनॉर्मल हार्ट साउंड सुनाई देता है टीनी वाइट स्पॉट ऑन आई फ्लैट नेजल ब्रिज नेजल ब्रिज उसका फ्लैट हो जाता है एंडचुअल ट्रांसल्यूशन से देखने को मिलता है तो ये सभी मोस्ट मोस्ट आईएमपी पॉइंट है डाउन सिंड्रोम में बार बार रिपीट हो रही है आपको सभी पॉइंट याद रखने हैं देखिए ट्राइजोमी ट्वेंटी वन अदरवाइज कोल्ड मतलब ट्राइजोमी ट्वेंटी वन का दूसरा नाम क्या है काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा गया है आर आर बी टू थाउजेंड नाइनटीन थर्टीन रोहत टू थाउजेंड सेवेंटीन एस्टेट एक्टेट्रा फेल्टर सिंड्रोम टर्नर सिंड्रोम सिकल्स एंड डाउन सिंड्रोम और राइट आंसर इज द डाउन सिंड्रोम ट्राइसोमी ट्वेंटी वन का दूसरा नाम क्या है डाउन सिंड्रोम देखिए ट्राइसोमी ट्वेंटी वन डाउन सिंड्रोम नेक्स्ट वेन परफॉर्मिंग फिजिस फिजिकल असेसमेंट ऑफ ए न्यू बॉर्न विथ ए डाउन सिंड्रोम द नर्स सस्पेक्ट इनफंट मे हैव डाउन सिंड्रोम के चाइल्ड को असेसमेंट करने से नर्स को क्या दिखाई देता है सुनाई देता है क्या ऐसे कर सकती है टू थाउजेंड थर्टीन एंड सिक्सटीन के आर ए के एंट्रेंस एम एस सी की एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है आंसर इज एबनॉर्मल हार्ट साउंड देखिए एबनॉर्मल हार्ट साउंड अभी हमने कवर किया कि चाइल्ड के हार्ट में प्रॉब्लम होता है एबनॉर्मल हार्ट साउंड सुनाई देते हैं तो राइट आंसर इज द एब्नॉर्मल हार्ट साउंड नेक्स्ट पटाओ सिंड्रोम पटाओ सिंड्रोम इट इज ऑल्सो द कॉन्जिनेटल डिसऑर्डर इन द चाइल्ड इसमें जो तेरह नंबर का जो क्रोमोजोम है उसमें दो क्रोमोजोम की जगह तीन हो जाते हैं इसलिए उसका दूसरा नाम ट्राइजोमी थर्टीन है देखिए उसमें क्या क्या होता है मालफोम्ड ईयर ईयर है मालफॉर्म हो जाते हैं स्मॉल हेड छोटा हेड होता है क्लैप लिप क्लैप पैलेट देख सकते हैं आप यहाँ लिप क्लैप पैलेट भी हो सकता है पोलीडेक्टाइल क्लेंच हैंड देखिए छः फिंगर है जिसको पोलीडेक्टाइल बोलते हैं क्लेंच हैंड ये क्लेंच हो गया है क्लेंच मतलब बंद रखा है मुट्ठी बंद है क्लेंचिंग so, हैंड बोलते हैं ट्राइजोमी एटीन इज अ एडवर्ड सिंड्रोम ट्राइजोमी एटीन का दूसरा नाम एडवर्ट सिंड्रोम देखिए पटाव सिंड्रोम ट्राइजोमी थर्टीन है कभी कभी ट्राइजोमी एटीन भी पूछते हैं एडवर्ड सिंड्रोम दिस इज एडवर्ड सिंड्रोम इज नॉट रिलेटेड टू पटाओ सिंड्रोम दिस इज द अनदर पॉइंट्स बट इन द एग्जामिनेशन वन टाइम आस्क दैट ट्राइजोमी एटीन इज आवर आंसर इज एडवर्ड सिंड्रोम नेक्स्ट हर्सप्रंग डिजीज देखिए हर्सप्रंग डिजीज के बारे में ये सभी पॉइंट देख लीजिए कंजेनेटल डिजीज है इसमें रिबन लाइक -like स्टूल आता है जो बच्चे का जो स्टूल है वो रिबन लाइक -like होता है एगंग्लियोनिक मेगा कॉलोन यहाँ जो कॉलोन है वो मेगा कोलोन हो जाता है बड़ा हो जाता है एसोसिएटेड विद डाउन सिंड्रोम डाउन सिंड्रोम नाम की बीमारी के साथ ये डिजीज देखने को मिलता है तो हर्स्प्रिंग डिजीज में ये बात आपको याद रखनी है देखिए क्वेश्चन हर्सप्रंग डिजीज का कैसा पूछा गया है रिबन लैग स्टूल इज प्रेजेंट इन हर्सप्रंग डिजीज हर्सप्रंग डिजीज की मेन साइन है रिबन लैग स्टूल तो याद रखिए रिबन लैग स्टूल नेक्स्ट सेरेब्रल पाल्सी कॉन्जेनेटल डिजीज है टो वॉकिंग बच्चा अपने टो पर चलता है अफिस्थोटोनस धनुष आकार का बच्चे का शरीर हो जाता है सीजर गेट देखिए कातर सीजर की तरह उसका पाँव है क्रॉस करके वो चलता है सीजर गेट प्रेजेंट होता है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट इट इज अ कॉन्जेनेटल डिजीज सीन इन चाइल्ड न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट इज ऑल्सो कोल्ड स्पाइना बाइफिडा कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ फॉलिक एसिड जब भी मदर प्रेगनेंसी टाइम में फॉलिक एसिड टेबलेट का पूर्ता कंजप्शन नहीं करती है मतलब कि फॉलिक एसिड की खामी से उसके चाइल्ड यानी कि फिटस को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो सकती है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के दो प्रकार है स्पाइना बाइफिडा अकल्टा एंड स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका अकल्टा में क्लोज मतलब कि ये जो यहाँ लंबर पोर्शन में जो यहाँ हॉल है वो हॉल नहीं होता है यहाँ क्लोज होता है और टप टॉप हेयर यहाँ हेयर बच्चे को देखने को मिलते हैं जिसको टप टॉप हेयर बोलते हैं स्पाइना बाइपिडा सिस्टिका मतलब यहाँ ओपनिंग होता है वो ओपनिंग में से जो मेनिंजिस बाहर आते हैं तो मेनिंगोसिल एंड माइलोमेनिज मेनिंगोसिल मतलब मेनिंजिस के साथ स्पाइनल कोड भी बाहर आ जाती है तो मेनिंगोसिल नाम की कंडीशन डेवलप होती है बल्जिंग सेक लाइक लेसन फील्ड विद स्पाइनल फ्लूइड एंड स्पाइनल कोड एलिमेंट इज अ मेनिंगोसिल मतलब कि माइलोमेनिंगोसिल में स्पाइनल कोड भी बाहर आती है आफ्टर सर्जरी ऑफ द मेनिंगो माइलोसिल टू मेजर द हेड सर्कम्फरेंस ऑफ द न्यू बोर्न मेनिंगो माइलोसिन की सर्जरी के बाद जो न्यूबॉर्न है उसका हेड सरकम्फरेंस हमें मेजर करना होता है क्योंकि सी एस एफ फ्लूड उसमें सर्जरी के बाद कम हो जाता है या ज़्यादा हो जाता है इसलिए हमको उसका हेड सर्कम्फरेंस चेक करना होता है देखिए क्वेश्चन ई एस आई सी टू थाउजेंड नाइनटीन में क्या था बल्जिंग सेकलाइकिसन फिल्ड विथ स्पाइनल फ्लूड एंड स्पाइनल कोड एलिमेंट इज आंसर इज माइलोमेनिंगोसिल नेक्स्ट अल्फा फिटोप्रोटीन टेस्ट इज डन इन द प्रेगनेंसी टू डिटेक्ट विच कंडीशन मतलब के जो अल्फ़ा फिटोप्रोटीन टेस्ट होती है प्रेगनेंसी में वो कौन सी कंडीशन चेक करने के लिए की जाती है आंसर इज न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट देखिए न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जो अभी हमने बीमारी के बारे में चर्चा की वो फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी से होती है इसमें खास करके अल्फा फीटो प्रोटीन जो है उसका लेवल इंक्रीज हो जाता है तो अल्फा फिटो प्रोटीन का नॉर्मल लेवल कितना होता है जीरो टू फोर्टी माइक्रोग्राम पर लीटर जो इंक्रीज हो जाए तो एंटीडी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है एंड डिक्रीज हो जाए तो डाउन सिंड्रोम या एडवर्ड सिंड्रोम होता है तो ये अल्फा फिटो प्रोटीन के बारे में सभी पॉइंट्स आपको याद रखने हैं नेक्स्ट साइनोटिक कंजिनेटल डिजीज टेट्रोलॉजी ऑफ फैलट देखिए टेट्रोलॉजी ऑफ फैलट नाम की जो कंडीशन है कॉन्जीनेटल डिजीज़ है उसमें से भी बार बार कॉम्पिटेटिव में रिपीटेडली क्वेश्चन आ रहे हैं तो एक साइनोटिक कॉन्जीनेटल डिजीज़ है इसमें कुल चार प्रकार की कंडीशन एक साथ बच्चे में देखने को मिलती है ओवर राइडिंग ऑफ एवोटा वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉपी पल्मोनरी स्टेनोसिस तो चारों चार प्रॉब्लम आपको याद रखने हैं उसमें बच्चे का हार्ट बुट सेप हो जाता है मतलब बुट सेप हार्ट बच्चा स्क्वेटिंग पोजिशन में पड़ा होता है इसलिए पोजिशन स्क्वेटिंग होती है और उसमें बीटी शंट नाम की सर्जरी की जाती है देखिए इसमें बीटी शंट और हाइड्रोकेफेलस में था वीपी शंट वेंट्रोपेरिटोनियल शंट तो ये दोनों शंट की सर्जरी आपको अलग अलग बीमारी में होती है जो याद रखनी है देखिए क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था द साइनोटिक डिफेक्ट इज़ कॉन्जीनेटल जो हार्ट डिजीज है दो प्रकार के होते हैं साइनोटिक एंड साइनोटिक जो टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट है वो साइनोटिक है तो यहाँ क्वेश्चन था साइनोटिक तो ये चार में से मेन आपको यहाँ आंसर में डी आंसर में दिखाई दे रहा है टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट तो टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट इज द राइट आंसर बिकॉज इट इज अ साइनोटिक कॉन्जीनेटल हार्ट डिफेक्ट नेक्स्ट फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस देखिए फिजियोलो फिजियोलॉजिकल जो जन्डिस है वो खास करके आफ्टर ट्वेंटी फोर आवर्थ बर्थ के बाद में चौबीस घंटे के बाद में जो बच्चे को जो जोंडिस देखने को मिलता है मतलब कि बच्चे को जो जोंडिस होता है वो जोंडिस को फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस बोलते हैं वो इसलिए होता है कि जो अनकजुगेटेड बिलीरुबिन है उसको कॉन्ज्युटेड करने के लिए बच्चे में जो यूरिडिन नाम का एंजाइम है लीवर में से प्रोड्यूस होता है वो अच्छी तरह से उसका प्रोडक्शन नहीं होता है इसलिए बच्चे को अनकन्जुर्गेटेड बिली रूबिन का लेवल बढ़ जाता है बाद में थोड़े दिनों के बाद में यूरिडिन प्रोडक्शन चालू होने से बच्चा धीरे धीरे अपने आप रिकवर हो जाता है तो ये आपको फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस में याद रखना है दूसरा ऐसे बच्चे को फोटोथेरापी भी दी जाती है अनकंजुगेटेड को कंजुगेटेड में कन्वर्ट करने के लिए फोटोथेरापी दी जाती है फोटोथेरापी का एक कॉम्प्लिकेशन भी है ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम जो आपको याद रखना है डिसपियर विदाउट ट्रीटमेंट ये जो फिजियोलॉजिकल जोनडिस है उसमें कोई भी प्रकार की ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है अपने आप डिसर हो जाता है पैथोलॉजिकल जोनडिस इट टक्कर विद इन ट्वेंटी फोर आवर्स आफ्टर बर्थ मतलब कि वो बर्थ के बाद में विद इन ट्वेंटी फोर आवर्स में ही उसकी बीमारी चालू हो जाती है पैथोलॉजिकल जोनडिस डेवलप हो सकता है इट इज़ ड्यू टू आर एच इनकॉम्पेबिलिटी एनी पैथोलॉजिकल कंडीशन तो वो दो, दो तरह से हो सकता है आर एच इनकोम्पेबिलिटी से भी हो सकता है और एनी इन्फेक्शन पैथोलॉजिकल कंडीशन से लाइफ थ्रेटनिंग है काफ़ी डेंजर है हाइपर बिलीरोमिया बिलीरोबिन लेवल काफ़ी बढ़ जाता है और वो ब्रेन बेरियर को पास कर जाता है जिससे जो ब्रेन है वो डेड हो सकता है जिसको कार्निक्टर्स बोलते हैं तो पैथोलॉजिकल झंडी सीरियस कंडीशन है वो भी में देखने को मिलती है देखिए यहां डिफरेंस दिया है एक बार देख लीजिए दोनों डिफरेंस। क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था, ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज इन करेक्ट अबाउट द पैथोलॉजिकल जॉन्डिस पैथोलॉजिकल जॉन्डिस के बारे में इनमें से कौन सा फीचर इन करेक्ट है करेक्ट नहीं इन तो देखिए पैथोलॉजिकल जॉन्डिस विद इन ट्वेंटी फोर करेक्ट

फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस को ट्रीटमेंट करने के लिए फोटोथेरापी दी जाती है यहाँ उसका कॉम्प्लिकेशन लिखा है ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम इज द साइड इफेक्ट ऑफ द फोटोथेरापी फिजियोलॉजी ऑफ फोटोथेरापी क्या है फोटो ऑक्सीडेशन डी डी डिग्रेड सॉरी फोटो ऑक्सीडेशन डिग्रेड्स इनडायरेक्ट बिलीरूबिन टू डायरेक्ट बिलीरूबिन मतलब के जो फोटो ऑक्सीडेशन से इनडायरेक्ट बिली रूबिन किस में कन्वर्ट हो जाता है डायरेक्ट अनकॉन्जुगेटेड में से कंजुगेटेड बिली रूबिन हो जाता है कौन सी वेवलेंथ के लाइट दी जाती है फोर्टी टू नैनोमीटर की ब्लू लाइट दी जाती है इंडिकेशन टर्म प्रेगनेंसी में बिली कितना हो तो फोटोथेरेपी देनी पड़ती है 15 मिलीग्राम पर डीएल एल इन प्री टर्म में 10 मिलीग्राम पर डीएल जो बिली लेवल हो जाए अनकंजुगेटेड तो फोटोथेरेपी दी जाती है फोटोथेरेपी जब भी हम देते हैं तभी हमें कौन कौन सी बातें याद रखनी है कवर द जेनाइटल इन आई एरिया मतलब कि चाइल्ड से लाइट कितनी दूर रखनी है फोर्टी फाइव टू सेवेंटी सेंटीमीटर रिपोजिशन एवरी टू आवर्स दो दो घंटे में चाइल्ड की पोजिशन चेंज करनी है ब्रेस्ट फीड एवरी टू आवर्स दो घंटे में चाइल्ड को ब्रेस्ट फीडिंग देना है क्योंकि डिहाइड्रेशन प्रिवेंट करने के लिए टेम्परेचर मोनिटर टू आवर्स दो दो घंटे में टेम्परेचर मॉनिटर करना है टेम्परेचर में कोई चेंजेस हो तो चाइल्ड को ऑन द स्पॉट ट्रीटमेंट देनी है नेक्स्ट देखिए फोटोथेरापी में से क्वेश्चन पूछा गया था ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम इज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ राइट आंसर इज द फोटोथेरापी नेक्स्ट क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट इट इज ऑल्सो द कंजीनेटल डिसऑर्डर रूल ऑफ़ टेन इज़ यूज फॉर द क्लेफ्ट लिप रिपेयर सर्जरी देखो काफ़ी स्टूडेंट्स को ये पॉइंट्स पता नहीं होगा कि क्लेफ्ट लिप सर्जरी जब होती है तब रूल ऑफ टेन अप्लाई होता है इन द रूल ऑफ़ टेन डॉक्टर क्या क्या चेक करते हैं फर्स्ट चाइल्ड का वेट टेन एल बी से कम नहीं होना चाहिए मतलब टेन एल बी होना चाहिए हिमोग्लोबिन टेन ग्राम होना चाहिए एंड डब्ल्यू बी सी काउंट टेन थाउजेंड से कम होना चाहिए मतलब कि ये जो टेन का जो रूल है वो जब भी फुलफिल होता है तब भी क्लैपलिप सर्जरी हो सकती है तो ये क्लैपलिप सर्जरी का मेन रूल है रूल ऑफ टेन याद रखिए इट इज़ एसोसिएटेड विथ पटाओ सिंड्रोम पटाओ सिंड्रोम एंड एडवर्ट सिंड्रोम ये सभी जो सिंड्रोम है उसमें क्लेप लिप खास करके क्लैप लिप एंड क्लैप पैलेट कंडीशन देखने को मिलती है आफ्टर सर्जिकल रिपेयर ऑफ द क्लैप लिप मतलब के जो चीलो पे प्लास्टिक करते हैं क्लैप लिप की सर्जरी करते हैं तो उसमें कौन सी पोजीशन दी जाती है साइड लाइन पोजीशन बच्चे को साइड लाइन पोजीशन में रखा जाता है क्लैप लिप सर्जरी कब की जा सकती है आफ्टर 3 मंथ टू 6 मंथ बेबी के बर्थ के बाद में तुरंत नहीं करनी चाहिए 3 टू 6 मंथ के बाद में करनी बिटवीन थ्री टू सिक्स मंथ करनी चाहिए एंड क्लैफ पैलेट सर्जरी कब करनी चाहिए अराउंड वन ईयर एक साल के बच्चे की एज हो तभी क्लैफ्ट पैलेट सर्जरी करनी चाहिए आफ्टर सर्जरी ऑफ द क्लेप पैलेट द चाइल्ड शुड बी प्लेस्ड ऑन एबडोम इन ए प्रॉन टू डिक्रीज द इन्फेंट टेंडेंसी टू सक द सेक्रेशन फ्रॉम द सुचर लाइन मतलब कि चाइल्ड को सर्जरी के बाद में प्रॉन पोजिशन देनी चाहिए कौन सी सर्जरी के बाद में क्लैफ्ट पैलेट क्लैफ्ट लिप सर्जरी में कौन सी पोजीशन है साइड लाइन क्लैप पैलेट में प्रॉन तो दोनों में अलग अलग पोजीशन है दोनों को सर्जरी टाइम भी अलग अलग है और रूल ऑफ टेन आपको याद रखना है नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन पूछा गया था एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कि रूल ऑफ टेन इज यूज फॉर और आंसर इज क्लैप्ड लिप सर्जरी क्लैप लिप सर्जरी में रूल ऑफ टेन एप्लीकेशन होता है देखिए यहाँ रेशनल दिया है रूल ऑफ नाइन फॉर द बर्न्स पेशेंट रूल ऑफ थर्टी फॉर द पोस्ट पार्टम हेमरेज पेशेंट एंड रूल ऑफ नाइन इज द फॉर द क्लैप्टिफ्ट सर्जरी पेशेंट नेक्स्ट द मोस्ट कॉमन फैक्टर इन इमीडिएट केयर ऑफ एन इन आफ्टर रिपेयर ऑफ क्लैफ्ट मतलब कि जो क्लेफ्ट लिफ्ट है उसके रिपेयर के बाद में इमीडिएट केयर कौन सी कंडीशन में दी जानी चाहिए प्रिवेंशन ऑफ वॉमिट मतलब के इस सर्जरी के बाद में चाइल्ड को वॉमिटिंग न हो उसके बारे में खास हमें ध्यान रखना है क्योंकि देखिए यहाँ रेशनल लिखा है वॉमिटिंग से फ्यूचर ब्रेक हो सकते हैं इंजुरी हो सकती है एंड चाइल्ड एस्पिरेशन भी करता है इसलिए हमको वॉमिटिंग प्रिवेंट करनी है तो मेन हमारा आस्पेक्ट होना चाहिए शन ऑफ द वॉमिटिंग नेक्स्टिजियल फिस्टूला देखिए एबनॉर्मल जो ओपनिंग हो जाती है उसमें थ्री सी साइन देखने को मिलता है कफिंग चॉकिंग, साइनोसिस दिस इज द मेन साइन ऑफ द ट्रेकिल फिस्टूला एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फ्रोधिस इन माउथ प्रेजेंट रिकर्जिटेशन मतलब कि इसमें काफ़ी ज्यादा मात्रा में एक्सेसिव सलाइवेशन माउथ में डेवलप होता है बच्चे को जिससे वो एस्पिरेशन कर सकता है बबल साइन डबल बबल साइन इज प्रेजेंट इन डिओडिनल एट्रेशिया देखिए ये डबल बबल साइन है इट इज नॉट रिलेटेड विथ ट्रेक्योसो फेजुला बट दिस प्रोजेक्टाइल होमिटिंग उसमें देखने को मिलती है क्लेफ लिप एंड क्लैपेलेट साइन इज डिफिकल्ट इन सोलो ट्रेकियोफि थ्री सी साइन ले गैस एंड ब्लॉटिंग हाइड्रोकैफेल एंड गेट एंड टो वो देखिए क्वेश्चन कौन सा पूछा गया था इन विच कंडीशन प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग सीन बार बार एक क्वेश्चन रिपीटेड हो रहा है रिपीटेशन हो रहा है आंसर इज पाइलरिक स्टेनोसिस नेक्स्ट फिटल मैक्रोसोमिया देखिए जो भी बच्चे का वेट मोर देन फोर पॉइंट फाइव के जी हो ऐसे कंडीशन को फिटल मैक्रोसोमिया कहते हैं फिटल मैक्रोसोमिया का मेन कारण कोज क्या है डायबिटिक मदर होती है मदर को डायबिटीज होता है मदर ओबेज होती है ओबेसिटी होती है एंड वेट गेन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी मदर का काफ़ी हो जाता है इसमें साइन क्या है बेबीज वेट मोर देन फोर पॉइंट कॉम्प्लिकेशन जब भी बेबी इतना बड़ा होता है तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है डिलीवरी के टाइम में डिस्टोसिया डिफिकल्टी इन लेबर बर्थ इंजरी एंड ब्रेकियल प्लेक्सिस देखिए क्वेश्चन कैसा पूछा गया था व्हाट डू यू मीन बाय फिटल मैक्रोसोमिया बर्थ वेट मोर देन फोर पॉइंट फाइव के जी इज नॉन एज अ फिटल मैक्रोसोमिया तो यहाँ आप देख सकते हैं कि फिटल मैक्रोसोमिया में टू में क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था कि किसको फिटल मैक्रोसोमिया कहते हैं नेक्स्ट हिप डिसलोकेशन देखिए काफ़ी बार डिलीवरी के बाद में बच्चे का हिप डिसलोकेशन हो जाता है तो उसमें दो प्रकार के साइन देखने को मिलती है ऑटोलानी तो साइन एंड बार्लो साइन ऑटोलानी तो साइन है एबडक्शन और यहाँ बार्लो साइन में एडक्शन ऑफ फ्लैक्सिप आप देख सकते हैं ऑटोलानी तो में एबडक्शन दोनों पाँव अलग करने से यहाँ क्रैक पिच साउंड सुनाई देता है बार्लो साइन में एडक्शन में यहाँ साउंड सुनाई देता है तो ये दोनों साइन कौन से प्रॉब्लम की है हिप डिसलोकेशन तो आपको ये दोनों साइन याद रखनी है कंपटीशन में इसमें से भी क्वेश्चन आ रहे हैं रूमेटिक फीवर रूमेटिक फीवर इज कोज बाय ग्रुप ए बीटा बिटाहीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस मतलब कि रूमेटिक फीवर बिट्टा ए हिमोलैटिक स्ट्रेप्टोकोकस नाम के बैक्टीरिया से होता है कौन सी एज में खास हो सकता है पाँच से पंद्रह साल के बच्चे को रूमेटिक फीवर का इन्फेक्शन होने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है रिसेंट एपिसोड ऑफ फेरेंजाइटिस इज सस्पेक्टेड फॉर द रूमेटिक फीवर देखिए फेरेंजाइटिस जिस जो भी बच्चे को रिसेंटली फेरेंजाइटिस हुआ हो ऐसे बच्चे को रोमेटिक फीवर होने के पूरे चांसेस है रोमेटिक हार्ट डिजीज इज एन इन्फ्लामेटरी डिजीज दैट अफेक्ट्स कनेक्टिव टिश्यू एज फॉर एग्जाम्पल हार्ट एंड जॉइंट जो बच्चे को रोमेटिक फीवर होता है उसको फ्यूचर में रोमेटिक हार्ट डिजीज डेवलप होता है वाल्व प्रॉब्लम हो जाते हैं और वो कनेक्टिव टिश्यू को इफेक्ट करते हैं माइट्रल वाल्व स्टेनोसिस इज द लेट कॉम्प्लिकेशन ऑफ द रोमेटिक फीवर रोमेटिक फीवर की सबसे थ्रेटनिंग कंडीशन कौन सी है माइट्रल वाल स्टेनोसिस रोमेटिक फीवर के मेजर जॉन्स क्राइटेरिया देखिए मेजर जोन्स क्राइटेरिया बार बार कॉम्पिटेटिव में आ रहे हैं पेशेंट को आर्थराइटिस होता है कार्डाइटिस होता है कोरिया होता है सबक्यूटेनस नोड्यूल होते हैं मैर्गी मैर्गीटम होता है तो इस पांच जो साइन है वो जॉन्स क्राइटेरिया बोलते हैं उसको जो रोमेटिक फीवर में दिखाई देते हैं पेशेंट में देखिए क्वेश्चन कैसा पूछा गया था विच ऑर्गेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रोमेटिक फीवर राइट आंसर इज द ग्रुप ए बीटा स्ट्रेप्टोकोकस सी इज द राइट आंसर नेक्स्ट सिस्टिक फाइब्रोसिस इट इज ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर देखिए सिस्टिक फाइब्रोसिस है वो ऑटोजोमल है सेक्सलिंग डिसऑर्डर नहीं है ऑटोजोमल रिसोसिव मतलब कि जो क्रोमोजोम ऑटोजोमल क्रोमोजोम है उससे होने वाली बीमारी है इसलिए उसको ऑटोजोमल रिसिस डिसऑर्डर कहते हैं इसमें खास करके क्लोराइड लेवल बढ़ जाता है परस्पिरेशन में इसलिए कौन सा टेस्ट किया जाता है स्वेट क्लोराइड टेस्ट इज डन फॉर द डायग्नोसिस ऑफ द सिस्टिक फाइब्रोसिस सिस्टिक फाइब्रोसिस डायग्नोसिस करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है मोस्ट एमपी क्वेश्चन स्वेट क्लोराइड टेस्ट सिस्टिक फाइब्रोसिस अफेक्ट्स द सेल्स दैट प्रोड्यूसिस म्यूकस स्वेट एंड डाइजेस्टिव ज्यूसेस इट कोज दिस फ्लुइड्स टू बिकम थिक एंड स्टिकी देन दे प्लग द ट्यूब्स डक्ट्स एंड पैसेज मतलब कि इसमें खास करके म्यूकस सिक्रेशन थिक हो जाता है जिससे खास करके डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रेस्परेटरी सिस्टम में ब्लॉकेज हो जाता है तो उससे कौन कौन सी साइंस देखने को मिलती है कफिंग विजिंग रिकरेंट साइनोसाइटिस रिकरेंट लंग इन्फेक्शन एंड फोर्टिस तो सिस्टिक फाइब्रोसिस में सभी पॉइंट याद रखिए उसमें से भी पॉइंट क्वेश्चन आ रहे हैं देखिए मोड ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ सिस्टिक फाइब्रोसिस मतलब कि सिस्टिक फाइब्रोसिस बीमारी कैसे होती है आंसर इज ऑटोजोमल रिसेसिव इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस चाइल्ड में एक कंडीशन कब डेवलप होती है तो इरिथ्रोब्लास्टोसिस ब्लास्टोसिस फिटालिस इज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ आर एच निगेटिव मदर एंड आर एच पॉजिटिव फिटस जब भी माता नेगेटिव हो एंड उसका जो चाइल्ड है फिटस है वो पॉजिटिव हो आर एच पॉजिटिव हो तब भी फर्स्ट प्रेगनेंसी मतलब फर्स्ट डिलीवरी में बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होता है लेकिन फर्स्ट डिलीवरी के बाद में जब भी उसका ब्लड मदर के कांटेक्ट में आता है तो मदर में जो एंटीबॉडी डेवलप होती है उससे जो दूसरी प्रेगनेंसी रहती है मदर को उसमें दूसरा जो फिटस है उसको कॉम्प्लिकेशन हो सकता है काफ़ी बड़ी डेंजर कंडीशन डेवलप हो सकती है इसलिए वो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है और उसमें कर्निक टर्स भी दूसरे चाइल्ड को हो सकता है आफ्टर बर्थ ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड फर्स्ट चाइल्ड गिव द एंटीडी रोगाम इंजेक्शन टू द मदर विद इन सेवेंटी टू आवर्स मतलब कि दो बहत्तर घंटे में मदर को एंटीडी दे देना चाहिए जिससे क्या होता है जो मदर में एंटीबॉडी डेवलप होती है वो डेवलप न हो और दूसरे चाइल्ड में प्रॉब्लम न हो मतलब कि दूसरे चाइल्ड में इरिथ्रोब्लास्टोसिस ब्लास्टोसिस फिटालिस कंडीशन को प्रिवेंट हम कर सकते हैं नेक्स्ट सीलियर डिजीज सिलियक डिजीज का दूसरा नाम है गी था डिजीज एंड उसका तीसरा नाम है ग्लूटेन एंट्रोपैथी तो ये डिजीज में क्या होता है ग्लूटेन प्रोटीन इंटॉलरेंस डिसऑर्डर एंड अफेक्ट मॉल इंटेन जो पेशेंट है जो चाइल्ड है उसको ग्लूकोज इंटॉलरेंस हो जाता है ग्लूटेन इंटोलरेंस नॉट ग्लूकोज ग्लूटेन इंटॉलरेंस ग्लूटेन जो प्रोटीन होता है वो प्रोटीन को वो टॉलरेट नहीं कर पाता है जिससे उसको बार बार डायरिया हो जाता है और उसका जो डाइजेशन पावर है वो काफ़ी कम हो जाता है जिसको हम सिलियक डिजीज बोलते हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है अभी देखिए ग्लूटेन जो है वो मेन कौन से फूड में से मिलता है वेट राई ओट्स एंड बार्ली तो खास करके ऐसे बच्चे को ये सभी डाइट बंद करने की सलाह एडवाइस दी जाती है जिससे उसको सिलियक डिजीज में प्रिवेंशन मिल सके तो सिलियक डिजीज इज़ नॉन एज अ ग्लूटेन एंट्रोपैथी इट अफेक्ट द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड एडवाइज द पेशेंट नॉट टू टेक वेट राई ऑट्स एंड बार्ली विच इज कंटेनिंग ग्लूटेन नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक दैट इन ग्लूटेन द फॉलोइंग इज नॉट रिकमेंडेड मतलब ग्लूटेन इनटॉलरेंस में इसमें से कौन सा खुराक नहीं देना चाहिए ऑल ऑफ दिस देखिए इस सभी में ग्लूटेन प्रेजेंट है सो अवर राइट आंसर इज ऑल ऑफ दिस वाइटल साइंस ऑफ द न्यू बोर्न न्यू बॉर्न बेबी के वाइटल साइंस कौन कौन से हैं नॉर्मल टेम्परेचर थर्टी सिक्स पॉइंट फोर डिग्री सेंटीग्रेड नॉर्मल हार्ट रेट पल्स वन ट्वेंटी टू वन सिक्सटी नॉर्मल रेस्पिरेशन थर्टी टू सिक्सटी पर मिनट एंड नॉर्मल ब्लड प्रेशर एटी टू सिक्सटी एम एम ऑफ एच जी फिटल सर्क्युलेशन फिटल सर्कुलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है पीडियट्रिक का देखिए उसमें से जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो पॉइंट देख लीजिए फोरा मैन ओवले एन्नाटोमिकल क्लोजर इज डन एट ट्वेल्व मंथ एंड फिजियोलॉजिकल क्लोजर इज इमिडिएटली आफ्टर बर्थ फोराम ओवले जो है वो खास करके जो एट्रीयम लेफ्ट एंड राइट एट्रियम के बीच में जो होल है वो बच्चे को क्लोज कब हो जाता है तो एक्चुअली तो फिजियोलॉजिकल तो इमिडिएटली हो जाता है लेकिन एनाटोमिकल क्लोज ट्वेल्व मंथ में हो जाता है तो ये ट्वेल्व मंथ वाला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आ रहा है नेक्स्ट डक्टस आर्ट्रियसिस डक्टस आर्ट्रियिस का क्लोज कब होता है टू टू थ्री मंथ एनाटोमिकल एंड फिजियोलॉजिकल इमीडिएटली आफ्टर बर्थ डक्टस विनोसिस का वन टू थ्री मंथ एनाटोमिकल एंड फिजियोलॉजिकल इमीडिएटली आफ्टर बर्थ अभी देखिए ये सभी जो क्लोजर हो जाते हैं बाद में उसका नाम क्या हो जाता है आफ्टर क्लोजर ऑफ फोरम एन ओवले द नेम इज फोसा ओवलिस डक्टस आर्ट्रियोस क्लोजर के बाद उसका नाम है लिगामेंटम आर्ट्रियजम डक्टस विनोसिस का क्लोजर के बाद में नाम है लिगामेंटम विनोसम एंड अम्बेलिकल वेन जो है उसका नाम हो जाता है आफ्टर बर्थ लिगामेंटम टेरस एंड अम्बेलिकल आर्टरी का अम्बेलिकल लिगामेंटम तो ये सभी नाम आपको याद रखने हैं कि उसके नाम चेंज हो जाते हैं आफ्टर बर्थ देखिए क्वेश्चन कैसा पूछा गया था आफ्टर बर्थ क्लोजर ऑफ फोरामेन ओवले इज नॉन एज आंसर इज फोसा वालीस नेक्स्ट चाइल्ड प्रोग्राम्स डिफरेंट चाइल्ड प्रोग्राम्स आर रनिंग इन द वर्ल्ड सो ऑल द प्रोग्राम्स नेम लॉन्च डेट एंड फुल फॉर्म यू हैव टू रिमेम्बर आपको सभी प्रोग्राम्स का नाम उसकी लॉन्च डेट एंड उसका फुल फॉर्म याद रखना है यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड उसका हेडकोार्टर न्यूयॉर्क में है और उसका लॉन्चिंग डेट है नाइनटीन फोर्टी सिक्स ICDS Integrated Child Development Services launch date 1975 NRHM National Rural Health Mission 2005 CSSM Child Survival and Safe Motherhood 1992 RCH Reproductive and Child Health Services 1997 and BFH Baby Friendly Hospital 1991 तो ये सभी चाइल्ड प्रोग्राम्स बाय हार्ट कर लीजिए बार बार कॉम्पिटिटिव में रिपीट हो रहे हैं प्ले नेम इन चाइल्ड देखिए चाइल्ड जो भी प्ले मतलब के जो गेम को प्ले करता है उसके अलग अलग नाम हैं वो आपको याद रखने हैं जैसे कि इन्फंट का जो गेम है उसका नाम है सॉलिटरी वो सॉलिटरी गेम प्ले करता है टॉडलर पैरल इमेजिनेटिव या देखिए प्री स्कूल होना चाहिए इमेजिनेटिव नहीं बच्चों तो प्री स्कूल तो ये सभी गेम जो है वो आपको कौन से फॉर्मूला से याद रहेंगे फॉर्मूला है स्पाइका एस मीन्स सॉलिटरी पी मीन्स पैरेलल आई मीन्स इमेजिनेटिव सी मीन्स कोऑपरेटिव एंड ए मीन्स एथलेट तो ये सभी गेम आपको ऐसे याद रखने हैं का फॉर्मूलाज सॉलिटरी इन्फंट की गेम है टॉडलर टौल, इमेजिनेटिव प्री स्कूल कोपरेटिव स्कूल एथलेट एडल तो ऐसे ये ट्रिक याद रखने से कौन सी एज में कौन सी गेम प्ले करता है चाइल्ड वो आपको इजीली याद रहेगा नेक्स्ट क्रोमोजोमल डिसऑर्डर देखिए क्रोमोजोमल डिसऑर्डर चाइल्ड में कौन कौन से होते है? हैं क्लीन फैल्टर्स टर्नर्स एंड हीमोफिलिया क्लीन फेल्टर्स में क्या होता है जो सेक्स क्रोमोजोम है वो एक्स वाई के बदले या एक्सेक्स के बदले एक्स एक्स वाई हो जाते हैं जिसमें फीमेल इन मेल मतलब कि मेल में फीमेल की कैरेक्टरिस्टिक्स आती है जो मेल चाइल्ड होता है उसमें फीमेल की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जैसे कि मेल चाइल्ड का ब्रेस्ट एनलार्जमेंट होता है टर्नर सिंड्रोम टर्नर सिंड्रोम क्या है वो फीमेल में देखने को मिलता है फीमेल में एक्स एक्स क्रोमोजोम होना चाहिए उसके बजाय एक्स ओ क्रोमोजोम मतलब वाई क्रोमोजोम एबसेंट होता है जिससे इन द फीमेल देर इज अ मेल कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट मतलब कि स्त्री में पुरुष के लक्षण होते हैं जैसे कि मुस्टाक डेवलपमेंट दाढ़ी मूछ जो आती है वो टर्नर सिंड्रोम में स्त्री को आ जाती है तो दिस इज अबाउट द टर्नर सिंड्रोम हिमोफीलिया It is an autosomal X-linked recessive disorder on the X chromosome. There is a three gene 8 number gene 9 number and 11 number. They are blood clotting factor gene and the deficiency of this gene blood clotting factor. There is three kind of hemophilia occur hemophilia A it is for the deficiency of 8 gene number 8 हेमोफिलिया बी जीन नंबर नाइन हेमोफिलिया सी जीन नंबर इलेवन तो ऐसे तीन प्रकार के हिमोफीलिया हो सकते हैं हिमोफिलिया ए हिमोफिलिया बी एंड हेमोफिलिया सी नेक्स्ट टीथ डेवलपमेंट देखिए चाइल्ड का जो टीथ फॉर्मूला है वो क्या है टू वन जीरो टू टू वन जीरो टू मतलब के जो इंसीजर केनाइन प्रीमोलर एंड मोलर ये चार प्रकार के जो दांत है चाइल्ड में उसमें इंसीजर दो के नाइन एक प्री मोलर जीरो और मोलर दो लेफ्ट साइड के अपर साइड में कुल पाँच जो टीथ है ऐसे है और लोअर साइड में पाँच है मतलब तो पाँच और पाँच दस लेफ्ट साइड में और ऐसा ही राइट साइड का फॉर्मूला यही है तो दस राइट साइड में टोटल ट्वेंटी टीथ होते हैं चाइल्ड में जिसको डेसीडियो टीथ मिल्क टीथ और प्राइमरी टीथ कहते हैं तो इन द चिल्ड्रन हाउ मेनी डेसिड टीथ और मिल्क टीथ प्रेजेंट ट्वेंटी फर्स्ट टीथ इरप्ट इन चाइल्ड इज मतलब कि चाइल्ड का पहला दांत कौन सी एज में इरप्ट होता है टू मंथ फर्स्ट परमानेंट टीथ मतलब पहला परमानेंट टीथ कब आता है सिक्स ईयर विच टीथ इज नॉट प्रेजेंट इन चाइल्ड प्री मोलर और जो फर्स्ट परमानेंट टीथ आता है उसका नाम है मोलर टीथ अभी देखिए क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था कि फर्स्ट परमानें टीथी रफ्ट ये गुजरात स्टाफ नर्स पेपर का क्वेश्चन है और राइट आंसर इज मोलर एट सिक्स इयर्स नेक्स्ट अभी देखिए टीथ के बारे में दूसरे पॉइंट देख लीजिए एट द थ्री इयर्स एज ऑल प्राइमरी टीथ मतलब ट्वेंटी टीथ आ जाते हैं दस तीन साल की उम्र में सभी प्राइमरी टीथ बच्चे को देखने को मिलते हैं एट द एज ऑफ सिक्स मतलब कि छः साल की उम्र में प्राइमरी टीथ सेड प्राइमरी टीथ शेड होते हैं गिरते हैं एंड परमानेंट टीथ बिगिन टू कम परमानेंट टीथ आने की शुरुआत करते हैं फर्स्ट परमानेंट टीथ मोलर आ जाता है सिक्स साल की एज में एंड एट द एज ऑफ ट्वेंटी वन ऑल परमानेंट टीथ कंप्लीट बट ट्वेंटी थर्टी टू थर्टी टू परमानेंट टीथ कौन एज में कंप्लीट हो जाते हैं ट्वेंटी ईयर ऑफ एज वेट एंड हाइट इंक्रीज ऑफ द चाइल्ड देखिए वेट एंड हाइट में से एक क्वेश्चन हर साल रिसेंटली रिपीट हो रहा है तो वेट के बारे में याद रखिए नॉर्मल वेट जो है टू पॉइंट फाइव के जी से थ्री के जी एवरेज वेट इंडिया में चाइल्ड का होता है चाइल्ड का वेट डबल कौन से एज में होता है सिक्स मंथ ट्रिपल कौन सी एज में होता है ट्वेल्व मंथ एंड फोर टाइम्स कौन से एज में होता है टू ईयर्स तो वेट के बारे में याद रखिए छः महीने में, में डबल वेट हो जाता है चाइल्ड का बारह महीने में, में ट्रिपल और दो साल में चार गुना हाइट हाइट ऑफ चाइल्ड विल इंक्रीज टिल द क्लोजर ऑफ एफी प्लेट बच्चे की जो अट्ठारह से इक्कीस साल की उम्र तक जो एफीफिशियल प्लेट है वो जब क्लोज़ हो जाती है तब तक चाइल्ड की हाइट इंक्रीज हो सकती है चाइल्ड की हाइट डबल कब होती है चार साल की उम्र में ट्रिपल कब होती है तेरह साल की एज में लेंथ ऑफ लेस देन वन ईयर इज मेजर बाय इन्फनटोमीटर देखिए इन्फंट की जो हाइट है लेंथ है वो एक साल के छोटे बच्चे की लेंथ कौन से साधन से माप नापी जाती है इन्फेंटोमीटर एंड हाइट स्टेडियोमीटर तो मोर देन वन ईयर का जो चाइल्ड है उसको स्टेडियोमीटर्स क्या है उसके हाइट नापी जाती है और लेस देन वन ईयर इन्फेंटोमीटर ग्रोथ इंक्रीज इन चाइल्ड चाइल्ड में जब 18 साल का से छोटे बच्चे में ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा हो जाता है तो कौन सी बीमारी होती है चाइजेंटिजम एंड 18 साल के बच्चे एडल्ट में जो बीमारी होती है ओल्ड एज में तो उसको बोलते हैं एक्रोमेगाली ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज से एक्रोमेगाली होता है डिफरेंस बिटवीन प्री टर्म एंड प्री चाइल्ड देखिए प्री टर्म चाइल्ड किसको कहते हैं लेस देन थर्टी सेवन वीक प्रेगनेंसी में जब चाइल्ड का बर्थ हो जाए तो ऐसे चाइल्ड को प्रीटर्म चाइल्ड कहते हैं और यहाँ देखिए मोर कॉमन कॉज ऑफ नियोनेटल डेथ इज प्री मेच्योरिटी प्री मेच्योरिटी असेसमेंट इज डन बाय बेलार्ड स्केल जिसमें दो कंपोनेंट से चाइल्ड का प्री मेच्योरिटी चेक की जाती है न्यूरोमस्कुलर स्केल एंड फिजिकल स्केल तो ये दोनों ब्लड स्केल के सब टाइप है प्री चाइल्ड किसको कहते हैं जो चाइल्ड का जो डेवलपमेंट है पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है उसको प्री चाइल्ड कहते हैं आई यू जी आर इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटाडेशन बेबी बर्थ वेट कितना होता है टेंथ परसेंटाइल बिलो द नॉर्मल बर्थ वेट नॉर्मल बर्थ वेट से दस परसेंटाइल कम वेट होता है नेक्स्ट रूबेला रूबेओला एंड टीटेनस देखिए रूबेला है उसका दूसरा नाम है जर्मन मिजल्स रूबेओला का दूसरा नाम है मिजल्स रूबेला का कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है टोगा वायरस रूबेओला का कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है पैरामिक्सो वायरस रूबेला में क्या क्या प्रॉब्लम होता है कैरेक्टरिस्टिक्स साइन कौन कौन से देखने को मिलते हैं लो ग्रेड फीवर शॉर्थ्रोट रेशिज स्टार्ट फ्रॉम फेस देन स्प्रेड ऑल ओवर द बॉडी एंड रूबियोला में कॉम्प्लेक्स पॉट दिखाई देता है एंड थ्री सी साइन कफ कोराइजा एंड कंजक्टेवाइटिस देखने को मिलती है तो यहाँ देखिए ट्रेक्योसोफेज फिस्ला में भी थ्री सी साइन देखने को मिलती है एंड रूबियोला मिजल्स में भी देखने को मिलती है टिटेनस लॉकजो उसका दूसरा नाम है क्लोस्टेडियम टीटेनिसे होता है पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म एंड राइसस साडोनिकस कंडीशन टिटेनस में देखने को मिलती है तो ये सभी पॉइंट आप याद रखिए देखिए एक क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था गुजरात स्टाफ नर्स के एग्जाम में राइससार्डोनिकस इज सीन इन आंसर इज टिटेनस स्पॉट रूबिओला का साइन है राइसस साडोनिकस जिसका दूसरा नाम है रिक्टस ग्रीन टिटेनस का साइन है जिसमें ग्रीमिस फेशियल एक्सप्रेशन हो जाते हैं बच्चे के

चित्र में देख रहे हैं मोरो रिफ्लेक्स में से किसी बच्चे को हवा में थोड़ा सा नीचे लाया जाए मतलब कि फोर्टी फाइव डिग्री से थर्टी थर्टी डिग्री डिग्री तक उसको नमाया जाए उसको थोड़ा नीचे लाते हैं तब उसको उसके दोनों हाथ को एक्सटेंशन कर देता है तो ऐसे रिफ्लेक्स को हम मोरो रिफ्लेक्स कहते हैं तो मोरो रिफ्लेक्स इज ए नॉर्मल रिस्पॉन्स बाय एन इनफंड वेन ही और शी इज स्टार्टल और फील लाइक दे आर फॉलोइंग मतलब कि उसको ऐसा लगे कि मैं गिर रहा हूँ तभी वो मोरो रिफ्लेक्स ऑटोमेटिक चाइल्ड में देखने को मिलता है इसको स्टार्टल रिफ्लेक्स भी बोला जाता है थ्री मेन कंपोनेंट है स्प्रेड आउट आर्म्स मतलब वो दोनों हाथ फैला देता है पुल्स देर आर्म बेक इन द टाइट चेस्ट मतलब के वो जो चेस्ट होती है उससे दोनों आर्म पुल कर देता है स्टार्ट क्राइंग ओ क्राई करने लगता है मोरो रिफ्लेक्स डिसअपियर एट थ्री टू फोर मंथ मतलब कि तीन से चार महीने में ये रिफ्लेक्स चला जाता है मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन कौन सी सा एज में मोरो रिफ्लेक्स डिसअपियर होता है थ्री टू फोर मंथ देखिए क्वेश्चन भी ऐसा ही पूछा गया था मोरो रिफ्लेक्स डिसअपियर एट आंसर इज थ्री टू फोर मंथ नेक्स्ट बेबिन्स की रिफ्लेक्स देखिए बेबिन्स की रिफ्लेक्स में जब भी चाइल्ड की जो सॉल है उसमें स्टिमुलेशन दिया जाए नीचे ऐसे सॉल में डॉक्टर ऐसे स्टिमुलेशन देते हैं तो उसकी जो लिटल टो है छोटी जो फिंगर है उंगली वो सब फैनिंग होती है मतलब कि वो फ्लैक्स हो जाती है और ये जो ग्रेटर टो है अंगूठा वो एक्सटेंशन हो जाता है अपवर्ड फ्लेक्शन होता है ये डाउनवर्ड फ्लेक्शन हो जाती है देखिए डाउनवर्ड ग्रेटर टो अपवर्ड फ्लेक्शन तो बेबिंस की रिफ्लेक्स वैन स्टिम्युलेन ऑन सोल ऑफ द डॉर्सी फ्लेक्शन अपवर्ड फ्लेक्शन ऑफ अ ग्रेट 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 टो 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 मतलब अंगूठा का अपवर्ड फ्लेक्शन एंड फैनिंग ऑफ फ्लैक् टो छोटी उंगलियों का फैनिंग हो जाना लोअर फ्लेक्शन हो जाना डाउनवर्ड फ्लेक्शन इट इज पॉजिटिव लेस देन टू ईयर चाइल्ड मतलब कि ये जो बेबिन्स की रिफ्लेक्स है दो साल की कम की एज में पॉजिटिव होना चाहिए ये रिफ्लेक्स प्रेजेंट होना चाहिए जिसको हम पॉजिटिव बेबिन्स के रिफ्लेक्स बोलते हैं इफ़ बेबिन्स की रिफ्लेक्स इज पॉजिटिव मोर देन टू ईयर चाइल्ड इट सजेस्ट न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट मतलब कि जो दो साल से ज़्यादा एज में ये रिफ्लेक्स प्रेजेंट होता है तो बच्चे को या फिर एडल्ट को कोई बड़ी न्यूरोलॉजिकल बीमारी हो सकती है बेबिन्स की इज नॉर्मल लेस देन टू ईयर चाइल्ड बेबिन्स की दो साल की छोटी एज में पॉजिटिव हो तो नॉर्मल है वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है प्रॉब्लम वाली बात नहीं है देखिए क्वेश्चन कैसा पूछा गया था बेबेंस की रिफ्लेक्स इज पॉजिटिव एट विच एज इज नॉर्मल लेस देन टू ईयर्स दो साल की कम उम्र में बेबेंस की रिफ्लेक्स पॉजिटिव हो तो नॉर्मल माना जाता है सकिंग रिफ्लेक्स वैन यू टच न्यू when you touch the newborn lip, when you touch the newborn lip, newborn suck your finger and disappear about one year. जब आप बच्चे की लिप को टच करते हैं तो न्यूबॉर्न आपकी फिंगर को सक करने लगता है और ये जो रिफ्लैक्स है वो एक साल की उम्र में डिसपियर हो जाता है फ्रूटिंग रिफ्लैक्स सर्चिंग रिफ्लैक्स वेन यू टच न्यूबोर्न चिक न्यू बोर्न टर्स हिज और हर फेस ऑन द टच साइड मतलब कि जब भी आप उसके गाल में टच करते हैं तो वो अपना फेस आप जिस तरफ टच करते हैं उस तरफ घुमा देता है इस रिफ्लेक्स को रूटिंग रिफ्लेक्स कहते हैं सर्चिंग रिफ्लेक्स कहते हैं कौन सी एज में डिसपेयर होता है थ्री टू फोर मंथ देखिए तीन से साल चार साल चार मंथ की एज में डिसअपियर हो जाता है नेक्स्ट फॉलोइंग रिफ्लैक्स वेन लिक्विड कम इन द बेबीज माउथ बेबी ट्राई टू सोलो इट एंड नेवर डिसपियर मतलब कि कोई भी लिक्विड बेबी के माउथ में डाला जाए तो बेबी उसको सोलो करता है और ये रिफ्लैक्स कभी भी डिसपियर नहीं होता है गैग रिफ्लैक्स स्टिम्युलेशन ऑन पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द फेरेंगस रिगर्जिनेट बेबी फूड मतलब कि बेबी के जो फेरेंग्स में पोस्टीरियर पार्ट में हम स्टिमुलेशन देते हैं तो फूड का रिगर्जिटेशन हो जाता है और ये रिफ्लेक्स कभी भी डिसपियर नहीं होता है पैरासुट रिफ्लैक्स देखिए एम्स 2018 में एक क्वेश्चन आया हुआ है पैरासुट रिफ्लेक्स का व्हेन यू थ्रो द बेबी अपवर्ड बेबी स्ट्रेच बोथ हार्म इट अपियस एट सिक्स एंडियड नेवर मतलब कि जब भी बेबी को हम हवा में उछालते हैं तो बेबी अपने दोनों हाथ स्ट्रेच कर देता है एक्सटेंस कर, कर देता है और ये जो रिफ्लेक्स है उसको पैरासुट रिफ्लेक्स कहते हैं छः महीने में दिखाई देता है और कभी भी डिसपियर नहीं होता है प्लांटर रिफ्लेक्स। इट इज अपोजिट टू बेबींस की रिफ्लेक्स। सॉल आउटर आस्पेक्ट टोज एंड फिंगर डाउनवर्ड इसमें क्या है कि जब भी डॉक्टर बेबी के आउटर पार्ट के सॉल में स्टिमुलेशन देते हैं तो बेबी ग्रेटर टो और स्मॉल टो मतलब के जो फिंगर है और जो ग्रेटर टो है सबका डाउनवर्ड फेनिंग हो जाता है जिसको प्लांटर रिफ्लेक्स कहते हैं ग्लेबर रिफ्लेक्स वेन फोर हेड इज जेंटली आई ब्लिंक मतलब कि बच्चे के जो फोर हेड में हम टैपिंग करते हैं जेंटली तो बच्चा अपनी आंख को बंद कर देता है जिसको ग्लेबर रिफ्लेक्स कहते हैं पेरेज रिफ्लेक्स प्रोन पोजिशन में बच्चे को रखा जाता है एंड स्टिमुलेशन ऑन द बैक साइड बच्चे बच्चा लॉडोसिस कंडीशन शो करता है मतलब कि जब भी बच्चे को प्रॉन पोजीशन में रखा जाए और उसके बैक में स्टिमुलेशन दिया जाए तब भी बच्चा उसका हेड और उसके दोनों पाव ऊंचा करता है जिसको हम लॉडोसिस कंडीशन कहते हैं और वो क्राई करने लगता है डिसपियर एट फोर टू सिक्स मंथ टॉनिक नेक रिफ्लेक्स फेंसिंग रिफ्लेक्स वेन बेबी हेड टर्न आइधर राइट और लेफ्ट म साइड एक्सट्रीमिटी एक्सटेंड एबडक्ट एंड ऑपोजिट साइड एक्सट्रीमिटी फ्लैक्स जब भी बच्चे को का हेड कोई भी साइड टर्न किया जाए तो वो टर्निंग साइड की एक्सट्रीमिटी को क्या करता है एक्सटेंड करता है और ऑपोजिट साइड की एक्सट्रीमिटी को फ्लैक्स कर देता है कौन सी एज में डिस होता है थ्री टू फोर मंथ नेक्स्ट इम्यूनोग्लोब्युल्यूनोग्लोब्युल में आप देखिए खास करके पीडियाट्रिक में दो मेन क्वेश्चन बार बार इम्यूनोग्लोबिन में से आ रहे हैं आईजीए आईजीजी आईजीए क्या है इट इज प्रेजेंट इन कोलेस्ट्रोल मतलब कि ब्रेस्ट मिल्क में प्रेजेंट होता है इसलिए ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है कि ब्रेस्ट मिल्क में कौन सा इम्यूनोग्लोब्युल प्रेजेंट होता है आईजीए और कौन सा इम्यूनोग्लोब्युल प्लेसेंटा को क्रॉस करता है आईजीजी और दूसरा आईजीजी का नॉलेज आपको होना चाहिए क्रॉनिक इलनेस में खास करके कैंसर जैसी बीमारियों में आईजीजी का प्रमाण ज़्यादा हो जाता है और सेवेंटी फाइव परसेंट सबसे ज़्यादा मात्रा में जो इम्यूनोग्लोबिलियन ब्लड में है वो आईजीजी है आईजीई के बारे में नॉलेज क्या होना चाहिए इट प्रोड्यूसेज इन एलर्जिक कंडीशन मतलब जब भी एलर्जिक कंडीशन होती है तब ब्लड में आई इम्यूनोग्लोबुलिन बढ़ जाता है हाइपर सेंसिटिव कंडीशन में आई जी एम इट मतलब कि जो मलेरिया टाइफाइड जैसी एक्यूट बीमारियां है उसमें आई का लेवल बढ़ जाता है लार्जेस्ट साइज सबसे बड़ी साइज है एंड फर्स्ट टू रिस्पॉन्स मतलब कि बॉडी में जब भी इन्फेक्शन होता है सबसे पहले कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन रिस्पॉन्स करता है आई सिक्स किलर डिजीज डिप्थेरिया पर्टोसिस टिटेनस, पोलियो मिजल्स एंड रूबेला देखिए ये सभी जो डिजीज है उसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म याद रखिए डिप्थेरिया का बैक्टीरिया का नाम है कोरोनोबैक्टीरियम बैक्टेरियम डिपथेरी पर्टोसिस बॉडेटेला पर्टोसिस टिटेनस क्लोस्ट्रेडियम टिटेनी पोलियो पोलियो वायरस मिजल्स पैरामिक्सो वायरस एंड रूबेला रूबेला वायरस प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन में दो प्रकार की बीमारी में से क्वेश्चन आ रहे हैं क्वाश्योकोर मरासमस दोनों प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन बीमारी है देखिए क्वाश्योकोर प्रोटीन डेफिशिएंसी से होता है और मरासमस प्रोटीन एंड एनर्जी मतलब प्रोटीन एंड कैलरी दोनों की डेफिशिएंसी से होता है क्वाश्योकोर एक से पाँच साल के बच्चे की एज में होता है और मरासमस लेस देन वन ईयर चाइल्ड में दिखाई देता है मरासमस में मंकी लाइक प्रेजेंट होता है में बच्चे में इडिमा दिखाई देते हैं मरासमस में बच्चा इमिशिएशन मतलब के उसके हड्डियां दिखाई देती है बहुत पतला होता है बच्चा तो ये सभी पॉइंट आपको क्वाश्योकोर और मरासमस में याद रखने हैं बर्थ मार्कर देखिए अलग अलग बर्थ मार्कर के पॉइंट देख लीजिए नेवस इलेमियस इज नॉन एज ए पॉट वाइन स्टेन ड्यू टू द द्रोथ ऑफ फेशियल कैपिलरीज इट इज द बर्थ मार्कर तो ये पहला बर्थ मार्कर है दूसरा है मंगोलियन स्पॉट ब्लैक ऑन ब्लू कलर हाइपर पिगमेंटेड एरिया ऑफ स्किन मेनली ऑन बटक्स अकर ड्यू टू द हाइपर स्टिम्युलेशन ऑफ मेलेनोसाइड स्टेल्स देखिए मंगोलियन स्पॉट भी बच्चे में प्रेजेंट होते हैं पे ये भी याद रखिए बर्थ मार्कर है मिलिया वाइट पिन पॉइंट ऑन नोज फोरहेड ड्यू टू तो द बी ग्लैंड सिक्रेशन मिलिया काफी बार एग्जाम में रिपीटेडली बर्थ मार्कर आ रहा है याद रखिए क्या है मिलिया व्हाइट पिन पॉइंट ऑन नोज नोज पे जो व्हाइट कलर का पिन पॉइंट पेचिज होता है चिक पे नोज पे फोर पे उसको मिलिया कहते हैं हरलिक्विन कलर चीज मतलब कि हाफ साइड ऑफ बॉडी अपीयर्स डार्क रेड एंड हाफ साइड बॉडी अपीयर्स नॉर्मल इंडिकेट कार्डियक प्रॉब्लम ये भी बर्थ मार्कर है कार्डियक प्रॉब्लम में ये मार्कर दिखाई देता है चीज लाइक सब्सटेंस ऑन बेबीज बॉडी इज वर्निक्स मतलब के जो वर्निक्स है वो क्या है जीजी लाइक सब्सटेंस है ये भी बर्थ मार्कर है नेक्स्ट हेड एंड चेस्ट सर्कुलेशन देखिए हेड सर्कुलेशन कितना होता है एट द बर्थ टाइम बॉडी बेबी का हेड सर्कुलेशन 30 32 35 सेंटीमीटर और चेस्ट 32 33 मतलब के चेस्ट से हेड तू सेंटीमीटर बड़ा होता है लेकिन आफ्टर वन ईयर दोनों सेम इक्वल हो जाते हैं चेस्ट सरकमफरेंस हेड सरकम्फरेंस इक्वल हो जाता है आफ्टर वन ईयर एट द टाइम ऑफ वन ईयर कितना होता है दोनों फोर्टी फाइव सेंटीमीटर हेड सरकम्फरेंस भी फोर्टी फाइव एंड चेस्ट भी फोर्टी फाइव माइल स्टोन देखिए माइल स्टोन जो है मोस्ट टाइम पे टॉपिक है बेबी जब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है तब कौन सी एज में बेबी में कौन कौन सी चेंजेस होता है कब वो बैठ सकता है कब वो खड़ा रह सकता है कब वो क्राउलिंग करता है सोशल स्माइल कब आती है मामा डैडा कब कब बोलता है तो ये सभी पॉइंट्स में माइल कहते हैं सोशल स्माइल कब आती है दो दूसरे महीने में टू मंथ के एज में हेड कंट्रोल टू टू थ्री मंथ एज सीट विथ सपोर्ट फाइव मंथ विदाउट सपोर्ट एट मंथ स्टैंड नाइन मंथ विथ सपोर्ट विदाउट सपोर्ट ट्वेल्व मंथ वॉक ट्वेल्व मंथ विथ सपोर्ट एंड विदाउट सपोर्ट एटीन मंथ में वॉक करता है क्राउलिंग सेवन मंथ क्रिपिंग नाइन मंथ भी देखिए कौन कौन सी एज में बच्चे को क्या कहते हैं जीरो टू टू वीक प्रेगनेंसी झाइगोट ब्लास्टोमियर मोरूला होती है कंडीशन टू टू एट वीक कंडीशन एम्ब्रियो एट टू फोर्टी वीक्स फिटस फर्स्ट सेवन डेज अर्ली न्यूनेट एट टू ट्वेंटी डेज सॉरी 8 टू 28 डेज लेट नियोनेट इन 28 डेज टू 1 ईयर इन्फेंट द इन्फेंट सेज मांबा मामा एंड दादा एट व्हिच इज 10 मंथ देखिए वो मामा दादा कब बोलना शुरू करता है दसवें महीने में और जो टीथ डेवलपमेंट होता है वो सिक्स मंथ में टीथ डेवलपमेंट स्टार्ट होता है अभी देखिए क्वेश्चन सोशल स्माइल इज गिवन बाई द चाइल्ड एट विच एज यहाँ आंसर देख लीजिए टू मंथ तो अवर राइट आंसर इज नॉट फोर मंथ बट टू मंथ टू मंथ इज द राइट आंसर नेक्स्ट ओरल ओ आर एस कंपोजिशन ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन मोस्ट मोस्ट आई एम पी टॉपिक है पीडियाट्रिक में क्योंकि पीडियाट्रिक में खास करके डायरिया कंडीशन चाइल्ड को बार बार हो जाती है तो उस कंडीशन में चाइल्ड को कौन सा सॉल्यूशन दिया जाता है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन उसमें जो कंपोनेंट्स है वो देख लीजिए सोडियम क्लोराइड 2.6 ग्राम होता है पोटेशियम क्लोराइड 1.5 ग्राम सोडियम साइट्रेट 2.9 ग्राम एंड डेक्स्ट्रोस यानी कि शुगर 13.5 ग्राम फ्रेशली प्रीपेय ओ आर एस शुड बी यूज ट्वेंटी फोर आवर्स मतलब कि ओ आर एस जो फ्रेशली प्रीपेयर किया गया है वो कब तक यूज किया जाता है चौबीस कलाक के अंदर उसका यूज कर देना चाहिए बाद में उसको डिस्कार्ड कर देना चाहिए देख लेते हैं क्वेश्चन डब्ल्यू एच ओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन औरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन पैकेट इंक्लूड्स फॉलोइंग एक्से मतलब के ओ आर एस में कौन सी चीज़ नहीं होती है देखिए ये तीनों चीज होती है कैल्शियम कार्बोनेट ओ आर एस में नहीं होता है तो और राइट आंसर इज कैल्शियम कार्बोनेट नेक्स्ट डिहाइड्रेशन खास करके डायरिया कंडीशन में बच्चे को डिहाइड्रेशन हो सकता है उसमें कौन कौन सी बातें हमें याद रखनी है तो देखिए संकन फोंटानेल्स इज द साइन ऑफ डिहाइड्रेशन डिहाइड्रेशन की मेन साइन कौन सी है संकन फोंटानेल। द सिम्टम्स ऑफ मॉडरेट डिहाइड्रेशन इज मतलब कि जो मॉडरेट डिहाइड्रेशन है उसका लक्षण क्या है ओलिग यूरिया ओलिग यूरिया मतलब यूरिन कम होना लेस देन थर्टी एम एल पर आवर एक घंटे में नॉर्मल यूरिन आउटपुट थर्टी एम एल है तो उससे कम होता है तो उसको ओलिग यूरिया कहते हैं द साइन ऑफ सीवियर डिहाइड्रेशन इज संकन फ्रॉन्टानेल ड्राउजीनेस डिकवियर डिहाइड्रेशन के साइन बार बार क्वेश्चन आ रहा है संकन फ्रेल ड्राउजीनेस ड्रीज स्किन टर्गर एंड इन द डिहाइड्रेशन कंडीशन इफ द चाइल्ड इज कैपेबल टू टेक ओरली वी हैव टू गिव दरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन ओ आर एस हमें ओरली देना चाहिए देखिए बार बार क्वेश्चन जो पूछा गया है डिहाइड्रेशन में से वो है संकन फोंटानेल इज अ साइन ऑफ आंसर इज डिहाइड्रेशन नेक्स्ट टॉन्सिलेक्टोमी टॉन्सिलेक्टोमी में क्या क्या बातें हमें याद रखनी है आफ्टर टॉन्सिलेक्टोमी मोस्ट फेवरेबल पोजिशन इज साइडलाइन हमें पेशेंट को साइड लाइन पोजिशन देनी चाहिए देखिए अवॉइड रेड पर्पल एंड ब्राउनिस लिक्विड बिकॉज इट मिसगैड अबाउट द ब्लीडिंग मतलब कि टॉन्सिल एक्टोमी में जब हम पेशेंट को रेड पर्पल या ब्राउनिस कलर का लिक्विड देते हैं तो वो हमें मिस गाइड करता है कि पेशेंट को ब्लीडिंग हो रहा है या फिर वो ये जो रेड पर्पल या ब्राउनिश लिक्विड है वो वो बाहर निकाल रहा है तो उसमें कन्फ्यूजन हो सकता है इसलिए ऐसी चीज़ें नहीं देनी चाहिए नेक्स्ट पोजिशन द चाइल्ड प्रॉन और साइड लाइन मतलब के पोजिशन कौन सी देनी चाहिए आफ्टर ट्रॉन में या तो प्रॉन या तो साइड लाइन डिसक्रेज फॉर द कफिंग एंड थ्रोट क्लियरिंग मतलब के जो भी पेशेंट है उसको कफिंग करने के लिए ना बोलनी चाहिए कि ज़्यादा हो कफिंग नहीं करें और उसको कोल्ड cool ड्रिंक मतलब ठंडा कोई भी चीज़ें देनी चाहिए गर्म चीज़ें खाने को नहीं देनी चाहिए आफ्टर tonsillectomy, नर्सिंग assessment प्रायोरिटी इज चेक द चाइल्ड फॉर frequent सोलोइंग देखिए tonsillectomy में हमें क्या चेक करना है कि जो भी पेशेंट है वो बार बार सॉलो नहीं कर रहा है वो चेकिंग करना है क्योंकि जो वो बार बार सॉलोइंग कर रहा है तो वो सजेस्ट करता है उसको ब्लीडिंग हो रहा है जिससे वो ब्लड को सॉलो कर रहा है तो इट इज़ अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन अवॉइड वॉट ड्रिंक बिकॉज इट इंक्रीज ब्लीडिंग पेशेंट को वॉट ड्रिंक नहीं देना चाहिए क्योंकि वो ब्लीडिंग उससे ज़्यादा हो सकता है अवॉइड मिल्क प्रोडक्ट मिल्क प्रोडक्ट भी नहीं देना चाहिए आइसक्रीम ऐसा कुछ नहीं देना क्योंकि उससे कपिंग और वो थ्रोट में कॉट कर जाता है उसे कपिंग सेंसेसन बढ़ जाता है तो वो नहीं देना चाहिए गिव कलियर सुप एंड एप्पल जूस एप्पल जूस एंड सुप देना चाहिए क्लियरली एसेस फॉर एक्सपेक्टोर एंड ब्राइट रेड ब्लीडिंग ब्राइट रेड ब्लीडिंग के लिए हमें एसेस करना चाहिए कि वो एक्सपेक्टोरेट हो रहा है नहीं इफ ब्लीडिंग सीन जो ब्राइट रेड ब्लीडिंग हमें दिखाई दे साइडलाइन पोजिशन दे देनी चाहिए एंड फिजिशियन को नोटिंग करना चाहिए तो दिस इज अबाउट द टॉनसेलेक्टोमी मोस्ट टाइम पी पॉइंट ऑफ द टॉनसेलेक्टोमी क्वेश्चन देख लेते हैं आफ्टर टॉनसेलेक्टोमी विच असेसमेंट कोज नर्स टू सस्पेक्ट हेमरेज सिंपल आंसर फ्रीक्वेंट सोलोइंग जो पेशेंट फ्रीक्वेंट सोलोइंग कर रहा है तो नर्स नर्स सोच सकती है कि पेशेंट को ब्लीडिंग हो रहा है हेमरेज हुआ है नेक्स्ट गोल्डन पॉइंट्स मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ ऑफ चाइल्ड इन वर्ल्ड मतलब कि वर्ल्ड में चाइल्ड का डेथ का मेन कारण क्या है आंसर इज न्यूमोनिया एंडोट्रेक्यूल ट्यूब फार्मूला फॉर द चाइल्ड अनकफ्ड एंडोट्रक्यूल ट्यूब का फॉर्मूला है एज अपॉन फोर प्लस फोर उसकी साइज कैसे चेक करते हैं एज अपॉन फोर प्लस फोर से वॉन्ग बेकर फेसिस पेन रेटिंग स्केल इज यूज टू चेक पेन इन चिल्ड्रन मतलब कि बच्चों में जो पेन चेक करने के लिए जो पेन रेटिंग स्केल यूज करते हैं उसका नाम है वॉन्ग बेकर फेसिस पेन रेटिंग स्केल न्यू बोर्न वेट डबल एट थ्री ईयर्स एंड हाइट डबल एट फोर इयर्स मतलब कि न्यू बॉर्न का जो वेट है वो डबल कब होता है यहाँ नॉट थ्री इयर्स वन न्यू न्यूबॉर्न का जो वेट है वो तो छः महीने में डबल हो जाता है और एक साल में ट्रिपल हो जाता है तो यहाँ फिर से एक बार हम देख लेते हैं यहाँ आएगा सिक्स मंथ और चार गुना दो साल में और हाइट डबल कब होती है चार साल में होती है वेट तो छ महीने में ही डबल हो जाता है और हाइट चार साल में डबल होती है इफ सक्सन इज डन टू चाइल्ड फर्स्ट सक्शन फ्रॉम माउथ एंड नोज जब भी किसी न्यू बोर्न का सक्सन करना हो तो हमें फर्स्ट माउथ में सक्सम करना चाहिए एंड देन आफ्टर नोज में सक्सन करना चाहिए वरना उसको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकता है नेक्स्ट एन्यूरेसिस बेड वेटिंग आफ्टर फाइव इयर्स एज मतलब कि जो भी बच्चा पाँच साल के बाद पथाई में पेशाब करता है तो वो कंडीशन को एन्यूरेसिस कहते हैं एन्यूरेसिस की चॉइस ऑफ ड्रग कौन सी है इमिप्रामीन इज द चॉइस ऑफ ड्रग फॉर द एन्यूरेसिस की of drug, है। किडनी का जो ट्यूमर का नाम है वो है। क्लबिंग ऑफ नेल इज प्रेजेंट इन साइनोटिक हार्ट डिजीज मतलब साइनोटिक हार्ट डिजीज जो बीमारी है खास करके टेटोलॉजी ऑफ फैलट जैसी बीमारी उसमें क्लबिंग ऑफ नेल हो सकते हैं क्रिप्टोज मतलब फेल टू डिसम एबडोम में जो टेस्ट एबडोम में से scrotum में नहीं आते हैं उसको क्रिप्टोज कहते हैं क्रूप इज अरिंगजो ट्रैकि्रोंकाइटिस क्रूप क्या है लेरिंग्रेकिटिस मोस्ट कॉमन इन कार्डियल एनामोलिज इन चाइल्ड इज डिलेड फिजिकल ग्रोथ मतलब चाइल्ड में जो फिज़िकल ग्रोथ डिले हो तो वो कार्डियनामिलीस का मेन लक्षण है तो देखिए यहाँ हमने चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के जो भी कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स थे वो कवर कर लिए हैं नेक्स्ट वीडियो में हम मोस्ट टाइम पी टू हंड्रेड गोल्डन पॉइंट्स टू हंड्रेड मोस्ट टाइम पी रिपीटिंग पॉइंट्स ऑफ द चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग देखेंगे तब तक आप प्रिपरेशन चालू रखिए ऑल द बेस्ट थैंक यू वेरी मच